अरे यार, ये झुमको की खनक तो बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है यार। मैं आई कम इन मैडम। यस मिसेस आजन। कुछ तो करना होगा वरना दादी मेरी हड्डियों को तोड़ के अपने लिए झुमके बनवा लेगी। मैडम आपने ये झुमके पहन लिए? व्हाट डू यू मीन बाय दैट मिसेस आजन? अब आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या पहन सकती हूँ और क्या नहीं? माइंड योर बिजनेस। सॉरी सॉरी मैडम। वैसे भी आपको खुश होना चाहिए कि आपके गिफ्ट किए हुए झुमके मैंने पहने। डोंट यू लाइक देम? आई लव यू जो झुमका मैडम, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप इन्हें पहन लेंगे। मिस्टर साजन, आपने मुझे झुमके गिफ्ट किए हैं, तस्वीर नहीं। इन्हें मैं पहनूंगी नहीं तो क्या दीवार पर टांगूंगी? आई मीन टू से कि मैंने पहनने के लिए ही दिए हैं आपको, पर ऑफिस में। और कहाँ मिस्टर साजन, इन पर आई कैन वेयर देम एवरीवेयर। ये इतने प्यारे झुमके हैं, मैंने कहीं भी पहन सकती हूँ, ऑफिस में, अपने घर में, आपके घर पर। मेरे 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 घर पे मैडम? यस मिस्टर साजन, मैं सोची थी कि ये झुमके मैं कश्मीरा को दिखा दूँ, वो हमेशा मुझसे फैशन टिप्स मांगती रहती है, शी लाइक दिस। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिएगा मैडम। व्हाई नॉट मिस्टर साजन? नहीं, वो एक्चुअली कश्मीरा को ये झुमके पसंद नहीं आएंगे, इनमें वो बात नहीं है। मिस्टर साजन, आपके पसंद किए हुए झुमके कश्मीरा को क्यों नहीं पसंद आएंगे? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कल जब मैं ये झुमके पहन के गई थी पार्टी में, सबको इतने पसंद आए, सब लोगों ने इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए इन झुमकों को। वही ना मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, ये दुनिया बहुत झूठी और मजाकिया है। उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिए मैडम, बल्कि झूठी तारीफ करके, मीठी मीठी बातें करके आपका मजाक उड़ाया, और वो सब इन झुमकों की वजह से, क्योंकि ये काफी पुराने पुराने लग रहे हैं ना। साजन, आपको ये किस एंगल से पुराने लग रहे हैं? कितने खूबसूरत हैं, सो प्रिटी। हाँ, इनका डिजाइन पुराना है, इनका काफी ओल्ड फैशन है मैडम, ये अब नहीं चलते ना इस टाइप के। आप एक काम कीजिए, आप ये झुमके मुझे निकाल के दीजिए, मैं इनको चेंज करवा के कोई अच्छा सा नया डिजाइन आपके लिए बनवा के लाता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह, एकदम अप टू डेट। और आपको कैसे पता है मिस्टर साजन की लड़कियों को किस डिजाइन के झुमके अच्छे लगते हैं? आपके पास आंखें जरूर है मिस्टर साजन, लेकिन फैशन के मामले में आपको मोतिया बिंद है। एंड ट्रस्ट मी, आई नो ऑल अबाउट फैशन एंड स्टाइल। मैडम ऐसी बात नहीं है, मुझे भी फैशन का सेंस है, मुझे भी परख है फैशन की। मैं लड़की देख के बता देता हूँ कि वो क्या पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी तो अच्छी लगेगी। कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको मिस्टर साजन, मुझे ये झुमके पसंद है और आपको इसी बात में खुशी माननी चाहिए कि मुझे आपके दिए हुए झुमके पसंद है। नाउ प्लीज गो, उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए। आई वोंट लेट दैट हैपन, प्लीज गो। मैडम, आर यू 100% श्योर कि आप ये चेंज नहीं करवाना चाहती है? गेट आउट। मैडम ने भगा दिया यार, लगता है उन्होंने पूरा मन बना लिया झुमके रखने का। मेरी किस्मत ही मेरे साथ नहीं है। अब तो मेरी किस्मत मुझ पे हंस भी रही है यार। किस्मत की हंसी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। सुमा, आप यहाँ? मिस्टर साजन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या करूँगा, क्या मतलब है सर? ये मेरा वर्क एरिया है, मैं यहाँ काम करता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो बस यूं ही टहलता हुआ यहाँ आया तो आपकी सांस से टकरा गया। सर, ये कोई गार्डन है कि आप टहलते हुए आए और बरगद के पेड़ से टकरा गए? मिस्टर साजन, माइंड योर लैंग्वेज। आप अपनी सांस को बरगद का पेड़ कह रहे हैं? ये तो गुलाब का पौधा है। सर, गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं जो जख्मी कर देते हैं। शट अप मिस्टर साजन। सॉरी सर। ससुमा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये क्या, आपने टिफिन सर्विस खोल ली है क्या? मिस्टर साजन, आप बहुत लकी हैं कि आपको इनके जैसी सास मिली। क्या खाना बनाती हैं, क्या लजीज खाना था, व्हाट अ टेस्टी खाना, ओह मजा आ गया, ओह क्या बात है। आप छेदी सर को टिफिन देने आई थी? अब अरे छेदी जी के चश्मे, कह दे रहे मेरे दामाद से कि टिफिन तो मैं इसी के लिए लाई थी, लेकिन छेदी जी मिल गए और वो उंगली चखने की जिद, टिफिन चखने की जिद कर बैठे।
मिस्टर साजन, आपने बताया नहीं कि आपकी सास के झुमके चोरी हो गए हैं। अब सर हो गए तो हो गए, आप क्या कर लेते जान के? व्हाट इज क्या कर लेते? अरे मैं इनके लिए क्या नहीं कर सकता हूँ। मोहतरमा आप टेंशन मत दीजिए, मैं आपके लिए नए झुमके बनवा दूंगा। सर आप क्यों इनके लिए नए झुमके खरीदेंगे सर? क्योंकि ये मेरी अपनी है। मेरा मतलब है कि मिस्टर साजन जैसे कि आप मेरे अपने हैं, मतलब मेरे घर के सदस्य जैसे हैं, वैसे ये भी मेरी अपनी ही है। अपने तो नवाब साहब हुआ करते थे, अब मैं हूँ। सर जी, इस हिसाब से तो मैं भी आपका अपना ही हुआ ना, तो मन्ने भी कुछ दे दो। एक काम करो, मन्ने जीजा की कुर्सी ही दे दो। जिनकी औकात मंदिर की सीढ़ियों पे बैठने की होती है ना, वो कुर्सियों के सपने नहीं देखा करते। जीजा तन्ने तो मैं बाद में देख लूंगा, और मम्मी तू यहाँ क्यों खड़ी से? चल तन्ने मैडम से मिलवा के लाऊं। अरे यार, अगर सासू माँ संजना मैडम से मिली तो उनके कानों में अपने झुमके देख लेंगी यार, चील की नजर है इनकी, सबके सामने मेरे कर्मों की पोटली खुल जाएगी। अरे इतनी क्या जल्दी है, बैठिए बैठिए सासू माँ, आराम से थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए छेदी सर के साथ में, थोड़ा वक्त बिताइए अच्छे से, जो बच्चा को चाहे टिफिन में वो भी खिला के खत्म कीजिए इनको। अरे वो जीजा थोड़ी शांति पकड़ ले, कैसे मिरस से लग रही तेरा। अरे चल मम्मी आ जा। अरे आजा सुनो, अरे सासू माँ, अरे साइड में कौन है जीजा? अरे चल यार, आ जा मम्मी। क्या टेस्ट था। मैडम जी अंदर आऊं के? यस कम इन। आ जा मम्मी। जी मैं हैंडल कर लूंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ऑलराइट, या मिसेस साजन आप ये क्या कर रहे हैं? ये फाइल है। नहीं मुझे दिख रहा है ये फाइल है मिसेस साजन, लेकिन आपने इसे मेरे मुंह पर क्यों चिपका रखा है? नहीं वो एक्चुअली इसमें बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है ना मैडम, तो इसलिए मैं आपके नजदीक ले आया हूँ ताकि आप एकदम क्लियरली इसको पढ़ लें। मिसेस साजन मेरी नजर बिल्कुल तेज है और बहुत ही क्लियर है, मैं वो भी देख लेती हूँ जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। हाँ लेकिन मैडम दूसरे लोगों ने जो नहीं देखना है, अगर वो देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना मैडम। साजन आप क्या बोल रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आधी आधी बातें कर रहे हैं आप? हटाइए इस फाइल को। मैडम इसको एक बार तो पढ़ लीजिए, एक बार नजर मार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ये। मिस्टर साजन क्या आप अपना टर्मिनेशन लेटर पढ़ना चाहते हैं? नहीं नहीं मैडम। तो प्लीज इस फाइल को हटाइए, मूव इट नाउ, मूव इट। सॉरी मैडम। मूव इट मिस्टर साजन। एनीवे आंटी जी कैसी हैं? Is your problem, Mr. Sajan? हट जाइए। वो। एरी छेदी जी की बेटी, जरा पूछिए रे मेरे दामाद से कि ये क्यों बार-बार नवाब में हड्डी, मेरे मतलब कबाब में हड्डी बन रहा है। अरे मम्मी मना लग रहा है कि जी जाना फिर से कोई गड़बड़ करने के चक्कर में से। तू चुप करना यार। खुद तो कोई काम करता नहीं ऑफिस में, यहाँ आ गया मैडम का टाइम वेस्ट करने के लिए। मैडम मुझे ना आपसे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। मैडम मिस्टर साजन हम डिस्कशन बाद में भी तो कर सकते हैं, अभी मुझे आंटी जी से बात करनी है, उनका हालचाल पूछने बाजू हो जाइए। मूव इट। और आंटी जी बताइए कैसी हैं आप, आपकी ट्रीटमेंट तो ठीक चल रही है? अरे बापू जरा पूछिए तो मैडम से कि ये कौन से ट्रीटमेंट की बात कर रही है, क्या हुआ है मुझे? जैसे पागल हथनी एकदम वायलेंट हो जाती है ना, वैसे मेरी सासू को ना कभी कभी पागलपन के दौरे आते हैं। हेलो, हाँ कश्मीरा, अभी बहुत जरूरी है क्या? अच्छा ठीक है आती हूँ। अब बेटी कश्मीरा का फोन था, कुछ जरूरी काम है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। ओह शो, नो प्रॉब्लम आंटी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैडम जी यूट्यूब। मिस्टर भूपेश आप कहाँ जा रहे हैं? अपने डेस्क पे जाइए, काम कीजिए, गो। एंड वन मोर थिंग आंटी जी, अपने बर्थडे की ट्रीट तो मैं दे ही नहीं पाई आप लोगों को, तो आप आज शाम आ जाइएगा मेरे घर पर। हाँ हाँ जरूर आएंगे, क्यों नहीं, आखिर छेदी जी भी तो वहाँ होंगे। मिस्टर साजन आप भी आएंगे ना मेरे घर पर? मुझे सबसे स्पेशल गिफ्ट तो
आप ही ने दिया है। श्योर मैडम। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है मैडम कि कहीं कश्मीरा और सासू माँ ने आपके कान में ये झुमके देख लिए ना, तो आपके बर्थडे के दिन दादी खून खराबा मचा देगी। बहुत जंगली है वो। संजय तुम आ गए? अरे हाँ, पता चल गया बाबा कि तुम आ गए हो। क्यों गुस्सा कर रहे हो? फ्रेश होके रेडी हो जाओ, संजना की बर्थडे पार्टी में जाना है ना। ऐसा तुम बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं समझती यार। हा? और नहीं तो क्या यार, ये बॉस लोगों की मैडम लोगों की ये पॉलिटिक्स होती है सब। मेल जोल बढ़ाना, पार्टियां करना, यहाँ आ जाओ, ये गेट टुगेदर, वो गेट टुगेदर, इसके बाद में ज्यादा काम करवाते हैं ऑफिस में, फिर बोलते हैं कि तुम तो घर के ही आदमी हो ना, करो। संजय तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ यार बेबी, हमें क्या जरूरत है यार मैडम मैडम के जन्मदिन में जाने की। है कितने दिन हो गए हम लोगों ने फैमिली ने अच्छे से टाइम स्पेंड किया एक साथ। मैं कह रहा हूँ चलो एक काम करते हैं, ऐसा है वहाँ छोड़ो, हम लोग फैमिली के साथ कहीं बाहर चलते हैं, अच्छी जगह बैठेंगे, मजे करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फैमिली के साथ अच्छी बातचीत होगी यार। तुम, मैं, सासू माँ, भूपेश को भी ले लेते हैं, चलो हम कहीं चलते हैं ना। संजू वो तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन संजना की बर्थडे पार्टी में जाना बहुत जरूरी है। यही तो ना यार, फिर वही है ना बात, मैडम की बर्थडे पार्टी में हम क्या करेंगे यार, जाके हमारा क्या उनसे लेना देना है यार, हम अपना करते ना कुछ। और वैसे भी तुम्हारी मम्मी जा रही है साथ में, उनको कोई ऑटो टैक्सी वाला नहीं बिठाता है यार, और बिठा भी लेते तो फिर डबल भाड़ा मांगते हैं यार वो लोग। और पिछली बार नहीं देखा ऑटो खड़ा हो गया था यार, जान का अलग रिस्क है, डबल पैसे दो यार, क्यों नुकसान करवाए अपना। संजू प्लीज तुम मम्मी के बारे में एक शब्द नहीं कहोगे, वरना बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं मम्मी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सुनो मेरी बात मानो, ऐसा करते हैं घर पे तुम जो बोलोगी ना, मैं खाना बनाऊंगा, मैं बर्तन धो दूंगा, मैं पूरी सेवा करूंगा, लेकिन हम मैडम मैडम क्या कहीं नहीं जाएंगे यार हम। ओहो क्या चक्कर है संजू, तुम संजना के घर नहीं जाना चाहते? हम कुछ गड़बड़ तो नहीं किया संजना के साथ? कैसी बात कर रही हो यार कश्मीरा, तुम मैडम है यार, वो बॉस है यार, सैलरी देती है, उससे हमारा घर चलता है यार, तुम मैडम पे शक कैसे कर सकती हो यार? मैं मैडम पे शक नहीं कर रही हूँ, तुम पे शक कर रही हूँ, मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या गुल खिलाते रहते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, क्या एक आदमी क्या अच्छे से एक शाम बिता नहीं सकता है क्या अपने घर में यार? हैं? जरूरी है क्या यार यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ही मैडम के पास चले जाओ और उनके घर में जाओ और बर्थडे मनाओ यार, क्यों यार किसी का जन्मदिन मनाए हम यार, क्यों अपनी सरदर्दी ले फालतू की। अरे ये तैयार बैठे, इनको बैठे रहने दो, हम नहीं जा रहे यार। अरे क्यों होगा जीजा, अब तक तैयार नहीं हुआ तू? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही रहूंगा समझा। एरी मेरी चमकती हुई साड़ी, पूछियो रे मेरे दामाद से कि केक खाने नहीं जाना है क्या? ओ सासुमा, मुझे आप दोनों की तरह ना किसी के घर में भी जाके टूट पड़ने का खाने पे कोई शौक नहीं है, थोड़ी इज्जत शर्म आया है मुझे। बाकी ये नहीं कि किसी ने जन्मदिन बोल के फोन किया तो तुरंत पहुंच गए उसके घर में खाना पहलने के लिए। संजू मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, उसके बाद दादी बोलेगी। अरे क्या बेबी यार, दादी को क्यों बीच में ला रही हो यार, हम दोनों का पर्सनल मैटर है, हम लोग कर रहे हैं ना बात आपस में, हम लोग करेंगे बात करके सॉल्व यार, बुजुर्गों को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है यार, वो चल फिर भी नहीं पाती है ढंग से अभी। चलो ना फिर। मैं चलता लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार बेबी। अरे जीजा तो चिंता की बात है, रास्ते में खिलौने का मेडिकल स्टोर पड़ेगा, वहां से जिस भी बीमारी की दवाई तन्ने चाहिए हो तो ले लियो, अब चलना यार। तू चुप कर। सही में बहुत तबीयत खराब है यार मेरी, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, वहां जाके पार्टी में उल्टी उल्टी कर दूंगा, खामा खा बेइज्जती हो जाएगी यार। अच्छा लगता है क्या किसी के जन्मदिन पे कोई उल्टियां कर रहा हो? यार समझो यार, एक बीमार आदमी पे तुम ऐसे अत्याचार नहीं कर सकती हो, ये गलत है ये। कुछ गलत नहीं है, तुम अब रेडी नहीं होगे, ऐसे ही चलोगे। बबू आप पकड़ के लेके इनको। सुनो ए ओए एकदम बढ़िया हूँ, आइए। बस आप ही लोगों का इंतजार था, खास तौर पर आपका इंतजार तो ना हुआ। इंतजार हम ही करते थे, हम ही करेंगे, क्योंकि यहाँ के नवाब साहब भी हम ही हैं। आइए प्लीज। सर संजना कहीं दिखाई नहीं दे रही? आज मैडम दिखाई ना दे तो ही ठीक है। रेडी हो रही है, बस आती होगी। मैडम प्लीज वो झुमके पहन के मत आइएगा, वरना आपका जन्मदिन मेरा मरण दिन बन जाएगा।
सर आपकी और मैडम की सुलह हो गई? नेगोशिएशन चल रहा है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? नहीं, अपनी बेटी का भी बर्थडे याद नहीं था ना इनको। हेलो एवरीवन, हाय कश्मीरा, हेलो मिस्टर साजन, हाय। हेलो, मम्मी ये जो संजना के कान में झुमके, ये तो दादी के है ना? संजना के पास कैसे है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन संजना को झुमके चुराने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अब रहने देना कश्मीरा, छेदी जी की बेटी भी तो मेरी ही बेटी जैसी है ना, झुमके इनके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है ना। संजना कितनी खूबसूरत लग रही है ना? जी जी, एकदम सही कही, तन्ने तो हमारे दिल की बात छीन ली। थैंक यू कश्मीर। भाई आखिर बेटी किसकी है? किसकी है? चुप रहिए आप। संजना तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और ये जो तुम्हारे कान में झुमके ना, वो तो और खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे कहाँ से लिए? ये? क्यों? क्योंकि ये मेरी मम्मी के हैं। तुम्हारे पास कैसे आए? क्या पागलों जैसी बात कर रही हो यार कश्मीरा, तो मैडम क्या चुरा कर झुमके पहनेंगी क्या यार? चल खाना खाए, चलो चलो। एक मिनट। अरे संजना के बर्थडे केक पूछे रहे मेरे दामाद से, ये इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने मेरे झुमके चुरा के बेचारे शरीफ छेदी जी की शरीफ बेटी को दिए हो? ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है ये? मैंने ऑफिस में कोई चोर पाल लिया है क्या? मिस्टर साजन, आप सच सच बताइए कि आपने ऑफिस से क्या क्या साफ किया है? सर आप दौड़ती घोड़ी के टांग मत अड़ाइए सर, वो निकल जाएगी, आप गिर जाएंगे। एक मिनट यार, मेरी बात सुनो यार कश्मीरा, मैं बोल क्या सुन लू। संजना के कान में जो झुमके लटक रहे वो मम्मी के हैं, और वो तुम ही पहुंचा सकते हो। क्या करूं यार मम्मी ऐसे पति का। Hold on a second, let me explain. बेटा तुम बताओगी? इसका मतलब बेटा तुमने और मिस्टर साजन ने मिलकर इस ग्रेट लेडी के झुमके चुराए? Calm down papa, मिस्टर साजन ने ये झुमके नहीं चुराए हैं, just give me a minute. यही काम कर रहा है तू, सुधर जा। आंटी जी ये देखिए आपके असली झुमके। असली? हाँ, ये असली है। हाँ ये असली है, ये असली है, ये असली है। अगर ये असली है तो जो तुमने कान में पहने वो? ये दोनों भी झुमके असली हैं कश्मीरा, और ये डिजाइन्स भी एक जैसी हैं। मिस्टर साजन ने मुझे आंटी जी के ये पुराने झुमके दिए थे पॉलिश करवाने के लिए, तो जब मैंने ये झुमके देखे तो मुझे इनके डिजाइन बहुत अच्छे लगे, तो मैंने भी अपने लिए बनवा लिए। आंटी जी आपको तो थैंकफुल होना चाहिए कि मिस्टर साजन आपको ये सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज ही तो देना चाहता था यार मैं। मैडम ने क्या सरप्राइज, आई मीन सनराइज की तरह शाइन करती हुई पॉलिश करवाई है झुमकों पे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। कितने चमक रहे, देखो 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 क्या जबरदस्त पॉलिश है। चलिए डिनर करते हैं, मैंने बुफे जो है वो टेरिस पे लगवाया है। आइए आइए, प्लीज प्लीज कम 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 आइए। रामदयाल, सॉरी मैडम वो गलती से। इट्स ओके मिस्टर साजन, ये बात तो मैं पहले ही जान गई थी कि आपने झुमके चुरा कर लाए होंगे, इसलिए मैंने एक और सेट बनवाने के लिए डाला, और जो ओरिजिनल झुमके थे वो मैंने पॉलिश के लिए भिजवा दिए। वाओ, यू जीनियस मैडम। लेकिन जब आपको सब कुछ पहले से पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? What would be the fun in that, Mr. Sajan? Otherwise, इस पूरी सिचुएशन का मैं मजा कैसे उठा पाती? I had fun. चलिए, दुर्घटना से देर भली। Someone did, Mr. Sajan. I did. And it's absolutely.
आओ।